हो जाएगा तो गाइस वहां पर तुम अटक जाओगे तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है फटाफट से अपना कौन कर लगा लेना। और बात करते हैं आज के गेम प्ले की, तो मतलब आज का गेम प्ले फुल बुम्मा होने वाला है, मतलब थोड़ा रश गेम प्ले होने वाला है क्योंकि इस टाइम उस लेवल की लॉबीज भी नहीं आ रही, कौन कर लॉबीज भी नहीं आ रही, तो इस टाइम थोड़ी नूबी लॉबीज आ रही थी। तो इस वाले मैच में सैंडस्टॉर्म में आता हूं, बट यहां पर इन चार घर पे कोई बंदा नहीं लैंड हुआ था। अभी चलते हैं यहां पे बंदे वगैरह ढूंढते हैं और फटाफट से किल्स उठाते हैं। अभी यहाँ पर स्क्वाडर्स के पास से मेरे को एक बंदे के साउंड आते हैं, जो कि बंदा रोड क्रॉस कर रहा था, इसको तो यहाँ पे इजी किल कर देते हैं। और गाइस इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और गाइस बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप कौन का गेम प्ले मिस ना कर पाओ। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मतलब इधर अपार्ट से फायरिंग हो रही थी, तो मैं इधर फाइट करने के लिए आता हूँ, इतने मुझे राइट पे एक बंदा दिखता जो कि यहाँ से निकल रहा था, मतलब भाग रहा था शायद से, इसने इधर सारे फिनिशेस कर लिए थे। तो फटाफट से अपने एक प्यार सा स्प्रे देते हैं और इसे किल कर देते हैं। यहाँ पर मेरे को एक और बंदा मिलता और इसको भी मैं किल कर देता हूँ। अभी अभी जस्ट यहाँ पे राइट पे अपने एक फ्लेयर गन चली थी, अभी सीधा चलते हैं उस फ्लेयर गन वाले बंदे को मारेंगे। वैसे उसने यहाँ पे ड्रॉप मंगवाया क्योंकि अपन जोन के अंदर है, बीआरडीएम नहीं आएगी। अभी यहाँ पे मैं आ जाता थोड़ा शातिर बनता, मैंने उस बंदे पे ग्रेनेड डालता, पर तो बंदा ग्रेनेड से तो बच जाता, तो उस पर MG3 थी। और यहाँ पर एक और इस बंदे ने दो ड्रॉप मंगवाए थे और एक ड्रॉप अभी अनलूटेड था, तो मैंने सोचा चल के क्यों ना एक ड्रॉप लूट लेता हूँ, और मेरे पे भी एक ड्रॉप वाली गन रहेगी तो फाइट निकालने में थोड़ा ईजी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं लूटने के लिए आता हूँ, तो देख ही लिया अपने को एक कैंपर किल कर देता। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे 4 फिनिशेज ही हो पाते हैं, बट एंड तक अच्छे अच्छे खासे फिनिश अपने होने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लूट वगैरह कंप्लीट करके जोन के सेंटर वाले स्क्वाडर्स पर आता हूँ, बट यहाँ पे पहले से एक बंदा था। फिलहाल इस बंदे से यहाँ पे फाइट निकाल देता हूँ, और अभी फिलहाल जब तक यहाँ पर जोन रहेगा अभी इधर ही होल्ड करूंगा। अभी यहाँ पे इस बंदे के यहाँ पे कौन से नशे में थे मेरे को भी नहीं पता, जस्ट इसने अभी अभी एक ग्रेनेड ही फेंका था जो कि अभी अभी फूटा था, फिर ये बंदा एकदम से ऑफलाइन हो जाता जिसका फायदा हो जाता है मेरे को, और इसको मैं इजी किल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जोन के सेंटर वाली पोजीशन पे आता हूँ, यहाँ पर जस्ट अभी अभी एक कार का रोटेशन आके रुका था, और शायद से अपना एग्जिट बटन ढूंढ ही रहा था, बट उससे पहले मैं इसे किल कर देता हूँ। पता नहीं कार से उतरता ही नहीं, जो भी सीन था मेरे को नहीं पता, बट एक ईजी किल मेरे को मिल जाता है। सामने साइड से कूप का रोटेशन आता है, इसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डैमेज दे पाता हूँ, बट ये बंदा कूप मेरे ऊपर जस्ट चढ़ाने वाला था, तो यहाँ पर ये बंदा कूप लाके ठोक भी देता है। फिलहाल इसका भी मेरे को इजी किल मिल जाता है।
ये बंदा भी शायद इधर जोन के साइड में पोजीशन लेने के लिए आ रहा होगा। ये बंदा सीधा लाता है और अपनी डाश इधर ही रोक देता है। फिलहाल इस बंदे से भी इजी फाइट निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ पे जोन इतना हार्ड रोटेशन लेता है कि क्या ही बताऊँ, पूरा का पूरा जोन हार्ड शिफ्ट ले चुका है। मैं जस्ट जोन के एज पे बचाऊँ, जोन में भी नहीं हूँ, जस्ट एज पे। तो यहाँ पे तो फटाफट लूट करते हैं और जोन में चलते हैं। पहले तो मैं स्क्वाड हाउस पे रुका था जाके, बट वहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं आ रहा था और कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था मेरे को। बट वहाँ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मेरे को चाहिए थे बंदे, तो मैं अपनी बग्गी लेके निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को सामने साइड एक बंदा स्पॉट होता है, उसको यहाँ पे पहले किल कर देता है। अब बाकी के बंदे जो है ढूंढ ढूंढ के मैं मारने वाला हूँ। अभी फिलहाल देखते हो कैसे कैसे कैंपर्स अपने को देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिलहाल ऊपर से सामने साइड से फायरिंग हो रही थी, मैं यहाँ पर सीधा आता हूँ और सामने साइड मेरे को ओपन में बंदा भी स्पॉट हो जाता, उसको किल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर से दो बंदे फाइट कर रहे थे आपस में, ये बंदा किसी पे कुछ तो फेंक रहा था और वो बंदा भी मेरे को स्पॉट हो रहा था, उस पर बग्गी चढ़ा देता। अभी इसी के साथ मेरे 12 किल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के 3 बंदे देखो उन्हें कैसे किल्स कर पाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को सिर्फ एक सांप मिलता है, उसको यहाँ पे किल कर देते हैं। और यहाँ पर मैं बग्गी को लाके रोकता हूँ, इतने मेरे को साउंड आता है अपने बैक साइड से। अभी फिलहाल इसको भी इजी किल गया, पहले से बंदा डैमेज रहा था, इसको तो स्टेक की गोली लगती है और ये बंदा उसी में किल हो रहा था। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक बंदा बचा और इस एक बंदे को ढूंढने में मेरे को इतना टाइम लगता है ना क्या ही बताऊँ। यहाँ पर इस बंदे को ढूंढने के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा मतलब पूरे के पूरे एक तो जोन बन जाता है, इतना टाइम निकल जाता है, ये बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर तो मैं बहुत अच्छे से चेक करता हूँ जोन के, एकदम एस टू एच बग्गी घुमा घुमा के, बड़े बंदा जो रहता है ना रोड के उस साइड रहता है, ये बात मेरे को अभी तक नहीं पता थी, बट अभी मिलने वाला और क्या ही नेक्स्ट लेवल शोक होने वाली है, वो तो खैर देख कर ही जाना। अभी फिलहाल देखो मैं यहाँ पर भी रोड के इस साइड भी चेक कर लिया, बट ये बंदा इधर की साइड था। अभी फिलहाल इसका फुटस्टेप्स आता है रोड पर, जो गाड़ी खड़ी है वहाँ से। मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, इस पर ग्रेनेड डालने की, सीधा मुझे जाके रश करना था या फिर इसके पास जाके बग्गी रोक के इसे मार देना था, बट यहाँ पर गलती हो जाती है, मैं ग्रेनेड डालने में रह जाता हूँ और ये बंदा मेरे को किल कर देता है। तो कहते अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।